ब्रॉट टू यू बाय आईटीसी सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। बिहार में इन दिनों सियासी हलचल तेज हो गई है। दो दिवसीय दौरे पर बिहार आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद अब कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा होने लगी है। जेपी नड्डा और नीतीश कुमार के बीच तकरीबन 25 मिनट तक बातचीत हुई। माना यह जा रहा है कि इसी मुलाकात में कैबिनेट विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार का विस्तार अब बहुत जल्द हो सकता है। विधानसभा चुनाव से पहले इस पूरे काम को निपटा लिया जाएगा। बिहार में साल 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इससे पहले नीतीश कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इसी साल महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आने के बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ था। फरवरी महीने में नए सिरे से सरकार का गठन किया गया था और इसके बाद मार्च महीने में मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया, जिसमें 21 नेताओं को मंत्री बनाया गया। फिलहाल राज्य मंत्री परिषद में बीजेपी, जेडीयू और हम यानी कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी की पार्टी, इन तमाम पार्टियों के कोटे से कुल 30 सदस्य हैं। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम की भूमिका भी शामिल है। दोनों इस पूरे मंत्रिमंडल परिषद में हैं। राज्य मंत्रिमंडल परिषद की अधिकतम जो सीमा है वो 36 है, यानी कि अभी भी 6 और मंत्री बनाए जा सकते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होने में अभी 1 साल से भी ज्यादा का समय बचा हुआ है। इसमें पहले एक कैबिनेट विस्तार की चर्चा तेज कर दी गई है। कुछ नए मंत्री बनाकर बीजेपी और जेडीयू चुनाव से पहले विभिन्न वर्गों को साधने की कोशिश जरूर कर सकती है। कैबिनेट विस्तार में भूमिहार, यादव, राजपूत और कुशवाहा को मौका मिल सकता है। सरकार गठन के वक्त भूमिहार, हाफ और यादव साफ की शिकायतों को दूर करने के लिए एनडीए लगातार कोशिश कर रही है। दिलीप जायसवाल को अपना विभाग छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी की एक नियति रही है, बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद ही रखा जा सकता है। फिलहाल भूमि सुधार विभाग की कमान जो है वो दिलीप जायसवाल के पास है और अब हो सकता है कि उनसे ये कमान ले ली जाए और किसी और पर भरोसा जताया जाए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को पटना पहुंचे थे। पटना एयरपोर्ट से नड्डा सीधे मुख्यमंत्री से मिलने एक अणे मार्ग पहुंचे और नड्डा और नीतीश के बीच बिहार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में चल रही योजनाओं को लेकर बातचीत हुई और बिहार में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर भी बातचीत हुई है। इसी दौरान बिहार कैबिनेट विस्तार पर भी इन दोनों नेताओं ने चर्चा की, जिसके बाद से लगातार ये जो सुगबुगाहट है वो सामने आने लगी कि बिहार में बहुत जल्द कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। कौन कौन नए चेहरे हो सकते हैं ये भी बिहार तक पर आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार तक।